السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا مرحبا، عبد الوهاب आपके साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं दरस कुरान पेश कर रहा हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह सूरह आराफ मुकम्मल करूँगा, अल्लाह का अलग अलग शुक्र है। इसमें बहुत अहम बातें बयान की गई हैं, इंसान कैसे ज़िंदगी गुजारे इस दुनिया में, उसी को बताया गया है। तरह तरह के वसवसे आते हैं तो इंसान को आज खुद पता चल जाता है कि शैतान के बहकावे में आ रहे हैं। तो जो अल्लाह वाले होते हैं वो गलत काम से रोक जाते हैं, और जो अल्लाह वाले नहीं होते हैं उसमें मुलविस हो जाते हैं। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात ये हुई है कि अगर आपसे कुछ ऐसे लोग बात करें जो बिला वजह बहस करते रहते हैं, तो उनसे एराज करना चाहिए और जाहिल समझ कर उनको दरगुजर करना चाहिए। देखिए, मैं तलावत करता हूँ, आप इंजॉय करोगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائفة من الشيطان تذكروا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُبْصِرُونَ درگزر کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اگر تم کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی پناہ چاہو، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جو لوگ ڈر رکھتے ہیں، जब कभी शैतान के असर से कोई बुरा ख्याल आता है, बुरा ख्याल उन्हें छू जाता है, तो वह फौरन चौंक पड़ते हैं और फिर उसी वक्त उनको सूझ आ जाती है। और जो शैतान के भाई हैं वो उनको गुमराही में खींचे चले जाते हैं, फिर वह कमी नहीं करते। तौहीद और आखिरत, नेकी और अदल की तरफ बुलाना उर्फ की तरफ बुलाता है। उर्फ क्या है बताइए, देखते हैं। यानी उन भलाइयों की तरफ जो अक्ल फितरत के नज़दीक जानी पहचानी है, मगर ये सादा तरीन काम हर जमाने में मुश्किल तरीन काम रहा है। इंसान की हुब आजला का ये नतीजा है कि हर जमाने में लोग अपनी जिंदगी का निज़ाम दुनियावी मफाद और जाती मसलहतों की बिना पर कायम किए होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इंसान की हुब आजला कुछ अजीब लग रहा है ना, लेकिन हुब आजला मतलब कि जो मोहब्बत करे उसका नतीजा बहुत जल्दी आ जाए। हुब माने मोहब्बत, आजला माने जल्दी, ये समझ लीजिएगा। ये हुब आजला हुआ, हुब आज इंसान के हुब आजला का ये नतीजा है कि हर जमाने में लोग अपनी जिंदगी का निज़ाम दुनियावी मफाद और जाती मसलहतों की बुनियाद पर कायम किए होते हैं। वह हक का नाम लेकर बातिल परस्ती के मशगला में मुबतला होते हैं। ऐसी हालत में जब भी सच्चाई की बेआवाज दावत उठती है तो हर आदमी अपने अपने आप पर उसकी जद पड़ते हुए महसूस करता है। नतीजा ये होता है कि हर आदमी उसका मुखालिफ बनकर खड़ा हो जाता है। ऐसी हालत में दाई को क्या करना चाहिए? उसका एक ही जवाब है, और वो है दरगुजर और एराज, यानी लोगों से उलझे बगैर बिल्कुल ठंडे तौर पर अपना काम जारी रखना। दाई अगर लोगों के निकाले हुए शोशों का जवाब देने लगे तो हक की दावत मुनाजरा की सूरत अख्तियार कर लेगी, जो मैं YouTube पे देखता हूँ। बेला वजह दो मौलाना आपस में झगड़ा किए रहते हैं, मुनाजरा करते रहते हैं, बरक है। मुनाजरा की सूरत अख्तियार करेगी और उसका कोई फायदा नहीं होता है। दाई अगर लोगों की तरफ से छिड़े हुए गैर जरूरी सवाल में अपने को मशगूल करे तो वह सिर्फ अपने वक्त और अपनी ताकत को जाई करेगा। दाई अगर लोगों की तरफ से आने वाली तकलीफों पर उनसे झगड़ने लगे तो दावत हक न रहेगी, बल्कि माशी और सियासी लड़ाई बन जाएगी। इसलिए हक की दावत को उसकी असली सूरत में बाकी रखने के लिए जरूरी है कि दाई जाहिलों और मुआनदों की तरफ से पेश आने वाली नाखुशगवारियों पर सब्र करे और उनसे उलझे बगैर
अपने मुसबत काम को जारी रखे। ताहम मौजूदा दुनिया में कोई शख्स नफ्स और शैतान के हमलों से खाली नहीं रह सकता। गौर करने वाली बात है। ताहम मौजूदा दुनिया में कोई शख्स अपने नफ्स ख्वाहिशात नफ्सानी होती है और शैतान के हमलों से खाली नहीं रह सकता। ऐसे मौके पर जो चीज़ आदमी को बचाती है वह सिर्फ अल्लाह का डर है। अल्लाह का डर आदमी को बेहद हसास बना देता है। यही हसासियत मौजूदा इम्तहान की दुनिया में आदमी की सबसे बड़ी ढाल है। जब भी आदमी के अंदर कोई गलत ख्याल आता है या किसी किस्म की मनफी नफसियात उभरती है तो उसकी हसासियत फौरन उसको बता देती है कि वो फिसल गया है। एक लम्हा की गफलत के बाद उसकी आंख खुल जाती है और वो अल्लाह से माफी मांगते हुए दोबारा अपने आप को दुरुस्त कर लेता है। उसके बरक्स जो लोग अल्लाह के डर से खाली होते हैं उनके अंदर शैतान दाखिल होकर अपना काम करता रहता है और उनको महसूस भी नहीं होता कि उनके साथी बनकर वह किस गढ़े में की तरफ चले जा रहे हैं। हसासियत आदमी की सबसे बड़ी मुहाफिज है, जबकि बेहिसी आदमी को शैतान के मुकाबले में गैर महफूज बना देती है। तिलावत करते हैं। وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ترجمة دیکھتے ہیں और जब तुम उनके सामने कोई निशानी यानी मौजा नहीं लाए तो कहते हैं कि क्यों न तुम छांट लाए कि कुछ ऐसी कुछ अपनी तरफ से। कहो, मैं तो उसी की पैरवी करता हूँ जो मेरे रब की तरफ से मुझ पर वही की जाती है। ये सूझ की बातें हैं तुम्हारे रब की तरफ से और हिदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको तवज्जो से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए और अपने रब को सुबह शाम याद करो अपने दिल में आजजी और खौफ के साथ और पस्त आवाज से, और गाफिलों में से ना बनो। जो फरिश्ते तेरे रब के पास हैं वो उसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते और वो इस बात उसकी पाक जात को याद नहीं करते और उसी को सजदा करते हैं। तफसीर देखते हैं। मक्का के लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते कि अगर तुम खुदा के पैगंबर हो तो खुदा के यहाँ से कोई मौजज़ा क्यों नहीं लाते। खुदा के लिए इंतहाई आसान था कि वह आपको एक मौजज़ा दे देता मगर उसका नतीजा ये होता कि असल मकसद जाता रहता। इम्पोर्टेंट इस बात हो रही, गौर सुनेंगे आप लोग। मसलन फर्ज कीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जदीद तर्ज की एक मोटर कार उतार दी जाती जिसमें लाउड स्पीकर नसब होता। आप उसमें बैठकर चलते और लोगों के दरमियान तबलीग करते। 1500 साल पहले के हालात में ऐसी एक कार लोगों के लिए इंतहाई हैरतनाक मौजज़ा होती मगर उसका नुकसान ये होता कि लोगों की तवज्जो असल बात से हट जाती। असल मकसद तो ये था कि खुदा का कलाम लोगों के लिए बसीरत बने, इससे लोगों को सोचने का ढंग और अमल करने का तरीका मालूम हो, उसे रूहों को खुदाई ठंडक मिले। मगर मजकूरा मौजज़ा के बाद ये सारा मंसूबा धरा रह जाता और लोग बस तिलसमाती सवारी के वजूदों में अजूबा में महव होकर रह जाते। करामाती चीजों में खोने का नाम दीन नहीं है। दीन ये है कि आदमी खुदा के कलाम पर ध्यान दे, उसको गौर से पढ़े और तवज्जो के साथ सुने। देखो ऐसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं है, इतने पर मिस्टेक हो गया है।
उसको गौर के साथ पढ़े, नहीं ऐसा नहीं है उसको पढ़ेंगे, उसको गौर से के साथ, उसको गौर के साथ पढ़े, उसको गौर से पढ़े और तवज्जो के साथ सुने। दीनदार होने की पहचान ये है कि खुदा के साथ ही साथ है आदमी का गहरा ताल्लुक कायम हो जाए, उसके दिल में गुदाज पैदा हो, वह खुदा की याद करने वाला बन जाए, खुदा की आदत उसके दिलो दिमाग पर इस तरह छा जाए तो वो उसके अंदर तवाजो और खौफ की कैफियत पैदा कर दे। खुदा का तस्करा करते हुए उसकी आवाज स्पष्ट हो जाए, वह गफलत से निकलकर बेदारी के आलम में पहुंच जाए। आखिर में फरिश्तों का किरदार बयान किया गया है, ये इसलिए कि तुम भी ऐसा ही करो ताकि तुम्हें फरिश्तों की मईयत हासिल हो, यानी साथ हासिल हो। जब आदमी अपने आप को घमंड से पाक करता है और खुदा के कमाला से इतना सरसार होता है कि उसके दिल से हर वक्त उसकी याद उबलती रहती है, तो वह फरिश्तों का हमसता हो जाता है। इस दुनिया में किसी इंसान की तरक्की का आला तरीन मकाम ये है कि वह इंसान होते हुए मलुकूती किरदार का हामिल बन जाए, वह दुनिया में रहते हुए फरिश्तों के पड़ोस में जिंदगी गुजारने लगे। तो दोस्तों यहीं तक आज तलावत इख्तिताम पजीर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज सूरह आराफ की तलावत मुकम्मल हो चुकी है। इस तरह से हम लोग करीब 11-12 हो चुके हैं। कल से इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मेरा सूरह अनफाल में तलावत करूँगा। बस दुआओं की दरख्वास्त है और तलावत सुनने का एहतमाम करें। आप यकीन जाने 40 दिनों तक अगर आप घर में सुनते रहेंगे और घर में कोई बीमारी हो तो इंशाल्लाह ताला वो दूर हो जाएगी और बहुत फ़र्क महसूस करेंगे आप। मैं खुद फ़र्क महसूस करता हूँ, आप ही जैसे मैं भी एक इंसान हूँ, बस अल्लाह ताला ने हाफिज़ कुरान बना दिया है और मैं दुआ करता रहता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला तूने मुझे हिफ्ज़ कुरान हाफिज़ बना दिया है तो कुरान का ही काम ले। तो ऐसे ऐसे ज़िंदगी में काम आए मुझे कि बस कुरान ही से रिलेटेड हो गया। उसी वो खुदा बख्श लाइब्रेरी में रिसर्च स्कॉलर, उसमें कुरान का मैंने काम किया है। तफसील मैं बाद में आपसे बताऊँगा। इंशाल्लाह ताला एक वीडियो बना रहा हूँ तो खुदा बख्श लाइब्रेरी पे, एक ही वीडियो नहीं बल्कि जो कुछ मैंने काम किया है वो सब आप लोगों के सामने पेश कर दूंगा। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी और सच्ची राह दिखा।